कुल बेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और संस्कृति से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। आज के एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ पंचतंत्र की एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है कौवा और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में विशाल पेड़ कौवों की राजधानी थी। हजारों कौवे उस पर रहते थे। उसी पेड़ पर कौवे का राजा रणजीत भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें कई गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू रहते थे। उनका राजा आर्य था। वह बहुत ही पराक्रमी था। कौवों को उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर एक घोषित कर रखा था। उसे कौवे से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत ज्यादा कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा रणजीत को बहुत चिंता हुई। उसने इस समस्या पर विचार करने के लिए सभा बुलाई। राजा बोला, मेरे प्यारे कौवे, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली और अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफा के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर राजा रणजीत ने सयाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने को कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिछते रहने का भला क्या मतलब है। बहुत से कौवे ने इस बात का विरोध की। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण करो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सयाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पंछियों से मदद लेनी चाहिए। कौवे में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिर जीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा रणजीत उसकी ओर मुड़े, महाशय आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना होगा। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए स्थिर जीवी, राजा ने कहा। स्थिर जीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। राजा रणजीत चौका, यह आप क्या कह रहे हैं स्थिर जीवी। स्थिर जीवी राजा रणजीत वाली डाल पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़े। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की कार्रवाई देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना हो। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका डहाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्ला कर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे। राजा रणजीत चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसे बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा रणजीत ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोरदार झापड़ मारकर तने से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिर जीवी को कौवे समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवे में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा आर्य को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस
फिर क्या था, उन लोगों की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल पड़ी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे, योजना के अनुसार राजा रणजीत सारे कौवों को लेकर पर्वत की ओर कूच कर गए थे। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने कहा, कौवे हमारे सामना करने के बजाय भाग गए, ऐसे कायरों को तो मार डालना चाहिए। सारे उल्लू हो हो की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने का का की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्के देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा रणजीत का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं, इसलिए हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर राजा रणजीत क्रोधित हो गए और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा आर्य सोच में पड़ गया। उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजा शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने से बहुत लाभ होगा, कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। उल्लुओं के राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और उल्लू स्थिरजीवी कौवों को अपने साथ ले गए। वहां आर्य ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ, इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए, वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमा कर बैठ। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज शत्रु पर विश्वास मत करो, उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। उल्लुओं के राजा आर्य ने उसे क्रोध से देखा, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो, चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने दो तीन मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए चला गया। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार सर्दियां आने वाली हैं, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूं ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहां से उड़कर सीधे पर्वत पहुंचा। वहां राजा रणजीत और अन्य कौवे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ी पकड़कर स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में जा पहुंची। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई गई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा रणजीत ने स्थिरजीवी कौवों को रत्न की उपाधि दी और सारे कौवे स्थिरजीवी की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने दुश्मनों को घर में पनाह देना अपने ही विनाश को बुलाना है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।